महात्मा बुद्ध की याद आ गई मुझे। बुद्ध, ये काशी सारनाथ महात्मा बुद्ध की भी भूमि है, उनका भी याद आना। भारतीय दर्शन में हम तो नवम अवतार मानते उनको, और ये जो थोड़े बहुत आपको झगड़े दिखाई पड़ते हैं ये बुद्धिज्म और ये में, वो मैं जब आया था पिछले दिनों चैनल पे तो मैंने कहा था जो बुद्ध को सही में मानता होगा वो कभी किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकता। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो बुद्ध को मानते हैं और एक बुद्धू को मानते हैं। तो बुद्धू से जिनका वास्ता होगा वो झगड़े करते हैं, क्योंकि बुद्ध उनका नाम नहीं है, नाम गौतम है। बुद्ध एक टाइटल है, बुद्ध एक उपलब्धि है, अहर्ता है। जैसे ऋषि महर्षि संत किसी का नाम नहीं है, साधु, वैसे बुद्ध नाम था गौतम। पर जब संबोधि को उपलब्ध हो गए, बोध प्राप्त हो गया, अबुद्ध और बुद्ध, छोटे बच्चों को क्या बोलते, अबोध है, माफ कर दीजिए, क्या है, अबोध है, बोध नहीं है इसको। अबोध या अबुद्ध दोनों एक ही बात है, अबोध या अबुद्ध। जिसको ज्ञात नहीं, जिसको ज्ञान नहीं, तो बच्चों को क्या कहते हैं, अबोध है। तुम्हारे गुरु भी तुम लोगों के लिए क्या कहते हैं, 70 साल के हो गए तब भी अबोध है, छोड़ दो, काहे को लड़ रहे हैं। जैसे तुम अपने घर में मम्मी पापा बने हुए हो ना, हो नहीं बने हुए हो, मम्मी एंड पापा। अब फिर क्या बोलते हैं, दो बच्चे जब घर में होते हैं छोटे छोटे, वो बड़े वाले की तो जिंदगी भर धुलाई होती रहती है। बड़ा बड़ा लड़का होना बड़ा गुनाह है, अगर ठीक उसके पीछे छोटा कोई हो गया तो बड़ा बड़ा कोई ज्यादा नहीं है, वो भी 3 साल का है, 4 साल का, और ये जो छुटका है ये 2 साल का है, वहां उपद्रवी। और ये लड़ाई करेगा, उसको नाखून से नोचेगा, और वो एक बार दो बार मत करो मत करो ऐसे। अब बच्चा तो वो भी तो 3 साल का है, 4 साल का नहीं होगा, तो वो भी ऐसे करेगा। तब तक मम्मी उधर से आके, वो छोटा है ना, तो बड़ा है ना, तो बड़ा है ना, तो बड़ा है ना। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे दोबारा जन्म देना तो बुद्धिमान मत बनाना, वैसे बड़े बेटे लोग कहते हैं कि दोबारा जन्म देना तो बड़े में मत देना, छोटा बनाना, जरा धो दो इनको। मां भी धोती, पिता भी धोते बाहर के बेटा, अच्छा बुआ लोग भी चली आती, इनका कोई काम धाम नहीं है, चमकते दमकते, बेटा वो छोटा है ना, अरे अपने बेटे को ज्ञान दे जाके घर में, उपद्रव मचा हुआ। ये इतने रिश्तेदार चले आते हैं, ज्ञान देने को मत पूछो। असब, और मां का भी आदत देखो, आपकी भी आदत कितनी खराब हो गई है। आप अपने ही संतान को कितनी जगह जलील करते हो, जरा सोचो, छोटे संतान को। माइंड योर लैंग्वेज, अगर अपने संतान को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो कभी भी किसी के सामने जो आवे, बस इसका रिकॉर्ड जारी है। एक नंबर का शैतान है, एक नंबर का शैतान है। बुआ आवे, फूफा आवे, पड़ोसी आवे, तुमसे जलने वाला आवे, तुमको बिगा, सबसे एक नंबर का शैतान है। बच्चा भी सुनते 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 वो भी कहता है कि शैतान के पेट से शैतान ही आते हैं। तू कितनी महान है, कमाल है, तुम्हारा ही प्रोडक्ट, तुम्हारा ही बच्चा, तुमने जन्म दिया, तुम माता पिता मिले, 55 संस्कार हुआ, 9 महीने तक गर्भ में तुमने रखा, पिता ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, और तुम किस मुंह से उसको शैतान कह रहे। उसके पहले बाहर अपना नेम प्लेट चेंज करवा करके मिस्टर एंड मिसेस शैतान लिखवा दो बाहर में, उसके बाद बोलो तुम्हारे बच्चे शैतान है। क्यों कहते हो अपने बच्चों को शैतान, किस लिए कहते हो शैतान? बाल मन पे जो बातें असर करती हैं ना, बच्चा याद रखना जो सुनता है और जो देखता है वो किसी को भूलता नहीं। यह अबोध मन है, कच्चा बांस है,
गीली मिट्टी है, जैसा बना दोगे वैसा बनेगा, जो बोलोगे वही सुनेगा, जो करोगे वही देखेगा, जो देखेगा वैसा ही बनता जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो कि अपने बच्चों को पालने में आपने कहां चूक किया है। यद्यपि मैं आज शपथ लेके आया था कि कल माता पिता लोगों को थोड़ा सा धो दिया हूं, आज बच्चों को धोऊंगा कि माता पिता की सेवा करना, पर आज बच्चे खुश हो गए कि गुरुजी हमारे ही फेवर के लगते हैं, आज फिर मां पापा के ऊपर बैठ गए, बड़ी उनको आनंद हो गया। चिंता मत करो, भी दो दिन बाकी है, सर्फ एक्सेल से धो दूंगा तुमको, तुम्हारे भी बुखार उतार दूंगा कि अपने माता और पिता, अपने जननी के साथ, जिस जननी ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा है, जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे, उन माता पिता के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य हो। और वो भी कर्तव्य जबरदस्ती का मत करो, ये कर्तव्य और ड्यूटी निभाते निभाते, जहां नौकरी कर रहे हो वहां भी ड्यूटी निभानी है, घर में भी ड्यूटी निभानी है, बाहर भी ड्यूटी निभानी है, मर जाओगे क्या ड्यूटी निभाते निभाते? कभी कोई मुक्त जीवन भी जी पाओगे क्या, जिसको बोलते हैं एकदम आनंदित जीवन, हवा में उड़ता जाऊं, ऐसा कोई जीवन भी तुम्हारे पास है? मैंने तो सुना मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, देवता लोग जाकर के भगवान के पास नंबर लगाते हैं, ठाकुर जी हमको एक बार मनुष्य में जाना था, बोला तेरे कर्म अभी ठीक नहीं। अरे देवता बोला मेरे कर्म ठीक नहीं है? बोला बिल्कुल ठीक नहीं। इंद्र ने कहा चलो मैं तो राजा हूं, बोला तुम्हारा तो बिल्कुल ठीक नहीं। बोला क्यों क्यों? बोला ओ अहिल्या के पास कौन गया, गौतम ऋषि के पत्नी के पास जाने वाला कौन था? एक ऋषि और महर्षि के पत्नी के पास जाकर सील भंग करने की चेष्टा किसने की? तुम ही हो देवराज इंद्र। इसलिए अभी तुम्हारी गति नहीं कि तुम मनुष्य बन के जा सको। जरा सोचो मनुष्य का जन्म कितना विराट है, कितना श्रेष्ठ है, कितना उत्तम है। और मैं हैरान होता तुम्हारे बुझे हुए चेहरों को देखकर कि परमात्मा ने अपनी जो सर्वश्रेष्ठ कृपा तुम पर करनी थी मनुष्य के रूप में जन्म देने के बाद, उस परमात्मा ने कभी सोचा ना होगा